हाय गाइस, माय नेम डॉक्टर जितेंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर ए वैल्यू। वेरिएबल अपने आप में कुछ नहीं होता है, जब उसमें वैल्यू स्टोर होती है तो उसको एक लोकेशन मेमोरी में मिलती है। दिस मीन्स दैट यू व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। जैसे मैं आपको बताऊं, a इज इक्वल्स टू 5, अगर मैं इसके आगे int लगाता हूं, दिस इज अ डाटा टाइप। हमने पहले भी डाटा टाइप, डाटे की टाइप कैसी है, this is a variable because this is a name of location, name of location, this is a operator for assign a value to a, and this is a value, right? अगर मैं पूरी स्टेटमेंट को रीड करके बताऊं तो इसको बोलते हैं constant, because if you change of constant cannot really do that at the runtime, right? Constant is a fixed value, there is a no change at execution time of a program. Based on the data types of variable, the operating systems allocates memory and decided what can be stored in the reserve memory. It's all of हैंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इसमें जो भी आपने डाटा स्टोर करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको मेमोरी एलोकेशन करेगा अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ डाटा टाइप, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आप साइन स्टोर कर सकते हैं पर्टिकुलर नेम के साथ। देयरफॉर बाय असाइनिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स टू वेरिएबल यू कैन स्टोर इंटीजर डेसिमल कैरेक्टर्स इन दीज वेरिएबल। आप बहुत तरह की वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर, डेसिमल, वेरिएबल, इंटीजर, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं कौन से डाटा टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन अवेलेबल इन जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिटिव डाटा टाइप्स एंड सेकंड इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट टाइप डाटा टाइप। परमिटिव जो आपने सी एंड सी प्लस प्लस में रीड की है, these are the same but one two changes are there in the data type। kuch aisi changes hain jo main aapko bataunga kaun kaun si। reference variable as a object data type, reference hum jaise class ka object banate hain usko reference variable bhi bolte hain। bataunga reference kaun sa hota hai, object kaun sa hota hai aur kaise create karte hain, right। next is primitive data types। there are 8 primitive data types supported by Java। Permitted data types are predefined by the language and named by the keywords। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ ऐसे नाम हैं जो कंपाइलर को पहले ही पता होते हैं, उसको रिजर्व वर्ड बोलते हैं। उसी में डाटाबेस भी आता है, सॉरी डाटाबेस नहीं, डाटा टाइप्स आते हैं, राइट। तो डाटा टाइप्स भी आते हैं जिनका नेम एज ए कीवर्ड यूज होता है जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट विद बाइट। हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे तो बाइट पहले आएगा। बाइट कितने बिट स्टोर करता है, 8 बिट, राइट। सेकंड इज वैल्यू कितने तक ले जा सकता है, -128 और 127। बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होता है इसमें, 0। अगर हम बाइट बी लिख दें, बाइट ए सेमीकोलन, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या स्टोर होगा, 0। बाइट डाटा टाइप इज यूज टू सेव स्पेस इन लार्ज एरे mainly in place of integer since the byte is 4 times smaller than integer। byte jo hai 4 times smaller hai integer se, agar humne space ko save karna hai, right, time ko save karna hai of execution, then we can use of byte data type, right। jaise maine aisi value store karni, isse zyada nahi karni hai, 100 karni hai, 50 karni hai, to I have use of the byte data type। next move to short। short data type is 16 bit, this is to complement, you can say that 16 bit।
मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं, जितनी सी की इंटीजर की होती थी, राइट, उतनी हम वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट एरे कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेव मेमोरी। आप इस वर्ड को माइंड में रख लें, जब भी आप डाटा टाइप यूज करोगे तो मेमोरी कंसेप्ट आपके साथ ही चलेगा कि आपने मेमोरी उसको कैसी देनी है और कितनी आपकी वैल्यू उस टाइप का डाटा टाइप यूज कीजिए और अपनी मेमोरी को सेव रखिए। ये दो चीजों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, एक तो स्पीड, आपकी एप्लीकेशन की, आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या है, सेकंड इसका साइज, उसका साइज क्या है। ये सारा कुछ मेमोरी के में आता है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जीरो, एंड एग्जाम्पल जैसे ये वैल्यू दे रखी है हमने, ठीक है, दिस इज शॉर्ट। इंट, इंटर टाइप्स इज बी 32 बिट साइन, 32 बिट होगा इसका, 32 बिट। मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, जितनी आपकी लॉन्ग वेरिएबल, सॉरी लॉन्ग डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस में लेता था, तो उतनी वैल्यू ये इंटीजर लेगा, मीन टू से 4 बाइट, ठीक है। इन जर्नल, इन सॉरी जर्नली यूज्ड इज डिफॉल्ट डाटा टाइप्स फॉर इंटरनल इंटीजर वैल्यूज अनलेस देयर इज कंसर्न अबाउट मेमोरी। बाय डिफॉल्ट आपका जीरो होगा और डिफॉल्ट डाटा टाइप होगा इंटीजर फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आप यूज करते हो कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू है विदाउट डेसिमल, तो इंटीजर वैल्यू में स्टोर, जैसे ये लिखा है। नेक्स्ट इज लॉन्ग, लॉन्ग डाटा टाइप इज 64 बिट, तो इसकी भी 64 बिट स्पेस होगी, इतनी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, इज बिग बिग वैल्यू, यू कैन स्टोर दिस लॉन्ग वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप। दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन ए वाइडर रेंज देन इंट इज इंट इज नीडेड। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0L, एग्जाम्पल लॉन्ग इज एन इंट इज L, ऐसे भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते, ठीक है। अगर आप L डिनोट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इंट में चला जाएगा। फ्लोट, नेक्स्ट इज फ्लोट, फ्लोट टाइप इज सिंगल, प्रिकेशन 32 बिट, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको डेसिमल वैल्यू जैसे 5, 6, 7, 6, दिस इज यूज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। मेनली क्यों यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, सेव ए मेमोरी इन लार्ज एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f। अगर हम यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू, यू कैन यूज अ फ्लोट वैल्यू, आपका डाटा लॉस भी नहीं होगा और परमानेंटली सेव भी रहे इन डेसिमल फॉर्मेट में। डबल डाटा टाइप्स इज डबल प्रोकेशन 64 बिट, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी 00.d, डी फॉर डेसिमल, ये सॉरी डेसिमल नहीं आप कह सकते हैं, डबल बोल रहे हैं इसको, डबल डबल डी 1, 1, 2, 3, ऐसे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बुलियन डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट 1 बिट, ये 1 बिट लेता है, बट इसकी वैल्यू दो टाइप की होती है, पहले तो होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। दिस डाटा टाइप इज यूज टू फॉर सिंपल फ्लैग्स दैट ट्रैक True and false conditions. Default value is false. Boolean 1 and true. ऐसे आप लिख सकते हो। अगर by default boolean की बात करूं तो इसकी value false होती है। Right? Next move to next slide is char. Char data type is used 16 bit. अगर char की value हमने देनी, this is Unicode. अगर Unicode format में देनी तो ऐसे दे सकते हैं, by default 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है कैर की, 2 बाइट, राइट। कैर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे स्टोर करेंगे, ऐसे करें, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंस डाटा टाइप्स। रेफरेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लासेस।
ये बड़ी मजेदार बात है, कहीं को पता ही नहीं होता है कि रेफरेंस वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको आपको बताऊंगा रेफरेंस वेरिएबल कौन कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट वेरिएबल कौन सा होता है। ये लाइन फर्स्ट लाइन पूरे ध्यान से पढ़ें। मैं बता रहा हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। रेफरेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब मैं कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लासेस यूज करता हूँ। दे आर यूज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई यू कुड क्रिएट ए ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेस ए मेंबर ऑफ क्लास। दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर टू बी साइंटिफिक टाइप एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। अगर हमने एक बार उसको क्रिएट कर लिया तो उसका हम कोई भी पार्ट चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आता है जैसे एम्प्लॉय मैंने एक क्लास लिया है और एक पपी एक मेरा क्लास, राइट। दीज आर दी डिक्लेरेशन पार्ट। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस इज वेरिएबल इज नल। बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता है, नथिंग यू कैन कॉल इज नल। रेफरेंस वेरिएबल कैन बी स्टोर टू रेफर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेयर टाइप्स ऑफ एनी कंपैटिबल टाइप। इस लाइन को पूरे ध्यान से देखिए। दिस इज ए ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन जावा। जावा में अगर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर आपने C++ में अगर आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट की, रेज कर लो इसको, मैंने इसको रेज कर लिया। How I next move to ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? मैं यहां पे न्यू एंटर करूंगा, न्यू डैम, राइट। तो मैं ऐसे लिखू, ये आपका हो गया डेमो डी सीक्वल्स टू। इसमें लॉजिकल क्या चेंज है? जो डेमो है ये आपकी क्लास है, डी इज ए रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज आल्सो इक्वल टू ऑपरेटर, this is new operator and this is called default constructor, right। ये है अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग। अब अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल बोलूं तो मैं लिखूंगा डेमो डी सैंपल, दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल कॉल। अगर मैं न्यू के साथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूं तो यू कैन से दैट डी इज ए ऑब्जेक्ट, ई ऑब्जेक्ट बन जाएगा बिकॉज इसको मेमोरी एलोकेशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपका रन टाइम पे जेवीएम प्रोवाइड करेगा। अगर सी प्लस एस की बात करूं तो आपको कंपाइलर उस टाइम उसका रन टाइम देगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If any doubt, any clarification, you can write down the comments on this video. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.